गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन यूनिक स्कूल सीकर। इन प्रीवियस क्लासेस वी वर रीडिंग आवर टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन we should learn about first addition reaction, second subtraction decomposition reaction, third displacement reaction, fourth slow or fast reaction, after then five reversible or irreversible reaction. In the next, today we learn oxidation and reduction reaction. Clear that? Today our topic is oxidation and reduction reaction. The oxidation and reduction reaction are so important reaction in chemistry. Clear that? Various biochemical processes are related to oxidation and reduction reaction. Various biochemical जो reactions हैं वो related होती है किससे? Oxidation और reduction reaction से। इसलिए oxidation और reduction जो reaction है ये chemistry के अंदर बहुत ही एक important portion है, और generally यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अपन बहुत से स्टेप जो है उस स्टेप्स के ऊपर इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्टली अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्टली व्हेन आई एक्सप्लेन विथ ए एग्जाम्पल, Mg+O2 रिएक्ट करके फॉर्म हो रहा है MgO। ठीक है, हियर ऑक्सीजन इज कंबाइन विथ मैग्नीशियम एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट मीन्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ अदर रिएक्टेंट, इट मीन्स द हियर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज इन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो अपन क्या कह सकते हैं, हियर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर? और ये एग्जाम्पल मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन ऐड होकर के मैग्नीशियम यहां पर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर दैट? नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल को अपन ऑपोजिट कर दें या फिर अदर एग्जाम्पल अपन लिख लें। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं करता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब अपन इसको करते हैं यह ब्रेक हो जाता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो हियर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है?
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कहाँ किस में हो रहा है, मैग्नीशियम के अंदर रिडक्शन। क्लियर दैट? अपन ने यहाँ पर किस बेस पर पढ़ी है, कॉम्बिनेशन और रिमूवल के बेस के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो गई अपनी, ठीक है। और ये अपन ने टू जो है एग्जांपल अपन ने यहाँ पर देख लिया। जैसे अदर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि KClO3, क्लियर दैट क्या है KClO3, तो यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, KCl+O2, दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। क्लियर दैट KClO3 यानी इसका नेम है पोटेशियम क्लोरेट, क्या है पोटेशियम क्लोरेट है। ये क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है किस में, KCl में। क्यों? बिकॉज हियर ऑक्सीजन इज रिमूवल, हियर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसका क्या हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हुआ है। जैसे ऑक्सीडेशन का अदर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सल्फर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ और बन गया SO2, जैसे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ बन गया CO2, यानी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर का SO2 में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। बिकॉज हियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ सल्फर और हियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ कार्बन। क्लियर दैट? तो ये थी फर्स्ट स्टेप ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आफ्टर देन कॉम्बिनेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Now, word change oxygen ki in place of oxygen, we write here hydrogen. It means combination or removal of hydrogen. Clear that? So here, take a example like as HCl, 2HCl, H2+Cl2. क्या फॉर्म हो गया, H2+Cl2। इट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड से का क्लोरीन में, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्लोरीन में क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। वहाँ पर पहले क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन था तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, और यहां पर जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो मैं क्या लिखूं, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहां मैं आगे लिखूं, H2+O2 रिएक्शन करके फॉर्म हो रहा है 2H2O। क्लियर है? तो यहां ऑक्सीजन का वाटर में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के कारण, ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहां पर क्या होगा, इसका रिडक्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ
हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. क्लियर दैट? तो यहां पर ने जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है उसकी अपन ने यहाँ पर स्टडी की है ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल और कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन. नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो वर्ड है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स यानी कि जैसे कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. जैसे कि लाइकेज में बात करूँ, जैसे कि पोटेशियम है, क्लियर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. क्लियर है? और यदि जैसे अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हो गए, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन 2- है, नाइट्रोजन 3- है, ठीक है, तो ये क्या होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि एफ नेगेटिव होता है, ये भी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. जैसे ब्रोमीन Br नेगेटिव है, ये भी क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं. यानी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्या हो गए इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए. अब अपन बात करते हैं कि ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है, इट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, तो वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. जब क्या हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या होता है रिमूवल होता है, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. जैसे कि मैं रिएक्शन लिखूं Ki प्लस यर यूज टू, इट मीन्स टू मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन विद Cl2 एंड रिएक्शन करके फॉर्म होता है 2 KCl प्लस I2. क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोटेशियम जो है ये पोटेशियम क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है. पोटेशियम जो है यहाँ से इस रिएक्शन में क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीडाइज हुआ है इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई. कौन सी रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई. जैसे कि मैं लिखूं H2 प्लस Cl2 और रिएक्शन करके फॉर्म हो रहा है 2HCl, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है H2S प्लस Cl2, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सल्फर है, सल्फर का क्या हो रहा है रिमूवल हो रहा है, ठीक है, सल्फर का क्या हो रहा है रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन हुआ. इस रिएक्शन का यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब क्या हो कॉम्बिनेशन हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, देन फिर क्या होगा, देन रिडक्शन रिएक्शन होगी. जैसे कि मैं रिएक्शन लिखूं Cl2 प्लस Mg और रिएक्शन करके बनेगा MgCl2 हियर, यानी मैग्नीशियम जो है
यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, किसके साथ में हुआ है, क्लोरीन के साथ में। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? जैसे कि मैं लिखूँ 2Na+Cl2, तो यहाँ पर जो Na के साथ में Cl2 है, यानी मेरी रिएक्शन में क्या फॉर्म हुआ, NaCl। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ में क्या ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है यानी सोडियम प्लस, ये इसके साथ में ऐड हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और यहां पर द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है? यहां तक अपन ने थ्री स्टेप जो है वो स्टडी कर चुके हैं, किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब अपन फोर्थ बात करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की अपन बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इट मीन्स ये। अब यहाँ पर जो है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उसका यदि रिमूवल होता है तब तो होता है रिडक्शन, और जब उसका कॉम्बिनेशन होता है तो फिर क्या होता है, क्या होगा, देखो इससे जस्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ अपन ने लिखा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट देन ऑक्सीडेशन, तो वहां क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर अपन ने लिखा था कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, तो वहां पर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर दैट? जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैंने लिखा Mg+Cl2 और रिएक्शन करके फॉर्म हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ देखो, पहले तो अपन इस रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे थे, क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या शो कर रहे थे, रिडक्शन। ठीक है, क्यों शो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट है उसका क्या हो रहा था, वो एड हो रहा था, कॉम्बिनेशन हो रहा था। अब मैं ये कह दूं कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है उसका मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है कि इसके साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो कंबाइन होता है तो फिर उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम जो है उसका मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसके कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज होता है किसके कारण, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर दैट? तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर दैट?
और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है इसका क्या हो जाए, ये रिमूवल हो जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है ये क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए। जैसे कि रिएक्शन करवाते हैं Fe Cl3 2 Fe Cl3, रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ में, किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, Cl2 के साथ में, सॉरी H2 के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो उसके साथ में इसका एक क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से ब्रेक होगा, ये बन जाएगा FeCl2 और प्लस की इधर साइड में क्या फॉर्म हो जाएगा, 2HCl। किसका फॉर्मेशन होगा, HCl का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या रह जाएगा, FeCl2। किसका फॉर्मेशन होगा, FeCl2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर FeCl3 से जब FeCl2 में जाते हैं तो यहाँ पर एक क्लोरीन जो है ये क्लोरीन रिमूव हो गया, एक क्लोरीन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। और क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो रिमूवल होने पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। क्लियर है, कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो हियर आवर फोर पॉइंट आर कंप्लीटेड। आफ्टर देन द मॉडर्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस के ऊपर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक्स। अदर एनी डाउट क्रिएट योर माइंड यू शेयर विथ मी ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।